विश्व को भी एक नया रास्ता दिखाने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हमारी संकल्प शक्ति मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। इसकी मिसाल पेश की है सिक्किम के थेगू गांव के संगे शेरपा जी ने। ये पिछले 14 साल से 12,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर पर्यावरण संरक्षण के काम में जुटे हुए हैं। संगे जी ने सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व का सोमगो लेक, उसे स्वच्छ रखने का बीड़ा उठा लिया है। अपने अथक प्रयासों से उन्होंने इस ग्लेशियर लेक का रंग रूप ही बदल डाला है। साल 2008 में संगे शेरपा जी ने जब स्वच्छता का यह अभियान शुरू किया था तब उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन देखते ही देखते उनके इस नेक कार्यों में युवाओं और ग्रामीणों के साथ ही पंचायत का भी भरपूर सहयोग मिलने लगा। आज आप अगर सोमगो लेक को देखने जाएंगे तो वहां चारों ओर आपको बड़े बड़े गार्बेज बिन्स मिलेंगे। अब यहां जमा हुए कूड़े कचरे को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। यहां आने वाले पर्यटकों को कपड़े से बने गार्बेज बैग भी दिए जाते हैं ताकि कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंके। अब बेहद साफ सुथरी हो चुकी इस झील को देखने हर साल करीब 5 लाख पर्यटक यहां पहुंचते हैं। सोमगो लेक के संरक्षण के इस अनूठे प्रयास के लिए संगे शेरपा जी को कई संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है। ऐसी ही कोशिशों के बदौलत आज सिक्किम की गिनती भारत के सबसे स्वच्छ राज्यों में होती है। मैं संगे शेरपा जी और उनके साथियों के साथ साथ देश भर में पर्यावरण संरक्षण के नेक प्रयास में जुटे लोगों की भी हृदय से प्रशंसा करता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि स्वच्छ भारत मिशन आज हर भारतीय के मन में रच बस चुका है। साल 2014 में इस जन आंदोलन के शुरू होने के साथ ही इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लोगों ने कई अनूठे प्रयास किए हैं और ये प्रयास सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी हो रहे हैं। लगातार इन प्रयासों का परिणाम ये है, कूड़ा कचरा हटने के कारण, बिन जरूरी सामान हटने के कारण दफ्तरों में काफी जगह खुल जाती है, नया स्पेस मिल जाता है। पहले जगह के अभाव में दूर दूर किराए पर दफ्तर रखने पड़ते थे, इन दिनों ये साफ सफाई के कारण इतनी जगह मिल रही है कि अब एक ही स्थान पर सारे दफ्तर बैठ रहे हैं। पिछले दिनों सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में, शिलांग में, कई शहरों में अपने दफ्तरों में भरपूर प्रयास किया और उसके कारण आज उनको दो दो तीन तीन मंजिलें पूरी तरह नए सिरे से काम में आ सके ऐसी उपलब्ध हो गई। ये अपने आप में स्वच्छता के कारण हमारे संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का उत्तम अनुभव आ रहा है। समाज में भी, गांव गांव शहर शहर में भी, उसी प्रकार से दफ्तरों में भी ये अभियान देश के लिए भी हर प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में अपनी कला संस्कृति को लेकर एक नई जागरूकता आ रही है, एक नई चेतना जागृत हो रही है। मन की बात में हम अक्सर ऐसे उदाहरणों की चर्चा भी करते रहे हैं जैसे कला, साहित्य और संस्कृति समाज की सामूहिक पूंजी होते हैं। वैसे ही इन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी पूरे समाज की होती है। ऐसा ही एक सफल प्रयास लक्षद्वीप में हो रहा है। यहाँ कल्पेनी द्वीप पर एक क्लब है, उमेल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब। ये क्लब युवाओं को स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक कलाओं के संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। यहाँ युवाओं को लोकल आर्ट, कोलकली, परिचाकली, किलिपट्टू और पारंपरिक गानों की ट्रेनिंग दी जाती है।
यानी पुरानी विरासत नई पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित हो रही है, आगे बढ़ रही है। और साथियों, मुझे खुशी है इस प्रकार के प्रयास देश में ही नहीं विदेश में भी हो रहे हैं। हाल ही में दुबई से खबर आई कि वहां के कलारी क्लब ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया है। कोई भी सोच सकता है कि दुबई के क्लब ने रिकॉर्ड बनाया, इसे भारत से क्या संबंध। दरअसल ये रिकॉर्ड भारत की प्राचीन मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू से जुड़ा है। ये रिकॉर्ड एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा कलारी के प्रदर्शन का है। कलारी क्लब दुबई में दुबई पुलिस के साथ मिलकर ये प्लान किया और यूएई के नेशनल डे में प्रदर्शित किया। इस आयोजन में 4 साल के बच्चों से लेकर 60 वर्ष तक के लोगों ने कलारी की अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। अलग अलग पीढ़ियां कैसे एक प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, पूरे मनोयोग से बढ़ा रही हैं, ये उसका अद्भुत उदाहरण है। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को मैं कर्नाटका के गडक जिले में रहने वाले कवेंश्री जी के बारे में भी बताना चाहता हूँ। कवेंश्री दक्षिण में कर्नाटका की कला संस्कृति को पुनर्जीवित करने के मिशन में पिछले 25 वर्षों से अनवरत लगे हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी तपस्या कितनी बड़ी है। पहले तो वो होटल मैनेजमेंट के प्रोफेशन से जुड़े थे, लेकिन अपनी संस्कृति और परंपरा को लेकर उनका लगाव इतना गहरा था तो उन्होंने इसे अपना मिशन बना लिया। उन्होंने कला चेतना के नाम से एक मंच बनाया। ये मंच आज कर्नाटका के और देश विदेश के कलाकारों के कई कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें लोकल आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए कई इनोवेटिव काम भी होते हैं। साथियों, अपनी कला संस्कृति के प्रति देशवासियों के उत्साह अपनी विरासत पर गर्व की भावना का ही प्रकटीकरण है। हमारे देश में तो हर कोने में ऐसे कितने ही रंग बिखरे हैं, हमें भी उन्हें सजाने, संवारने और संरक्षित करने के लिए निरंतर काम करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों,